अमीर तहसील के ग्राम उदयपुरिया में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पोस्ट कार्ड अभियान के तहत उप जिला प्रमुख जयपुर मोहन डागर के नेतृत्व में केंद्र सरकार की तानाशाही के चलते संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की द्वेषात्पूर्ण तरीके से सदस्यता निरस्त करने के विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से लिखित सामूहिक पोस्ट कार्ड भेजे हैं। इस दौरान उप जिला प्रमुख जयपुर मोहन डागर ने बताया कि भारत के संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र को बुनियाद माना गया है। आज देश में हर संवैधानिक संस्था सीबीआई, ईडी, आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद, न्यायपालिका का शरण होता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना उसी का प्रतीक है। हमने आज राष्ट्रपति से पोस्टकार्ड के माध्यम से लोकतंत्र के संरक्षण की गुहार लगाई है। ये रहे मौजूद डॉक्टर नरेश कुमार, हरि सिंह सामोता, साक्षी शर्मा, सोनम सिंह, मनोज कुमार, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यकर्ता आदि। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की आमेर विधानसभा में आज हमने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक पोस्टकार्ड भेजकर अपनी बात रखी है कि भारत का संविधान और भारत का पंथ निरपेक्ष, भारत का लोकतंत्र संविधान में सबको अपनी बात रखने का मौका दिया है। आज जिस तरीके से संविधान को तोड़ मरोड़ कर सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता जिस तरीके से निरस्त की गई है, ये भी एक उसी का द्योतक है। और महामहिम राष्ट्रपति जी से हम मांग करते हैं कि भारत के संविधान को बचाए रखे, देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी जी की जिस तरीके से सदस्यता को निरस्त किया गया है वो भी गलत है और हम आपसे न्याय की गुहार करते हैं, अपील करते हैं। इसके लिए आज हम सब लोगों ने पोस्ट कार्ड के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह किया है। जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस।